नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे की बहुत ही खूबसूरत फिल्म विवाह को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों चिंटू जी की फिल्म विवाह मुंबई के 7 सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद यह फिल्म अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है दोस्तों। और दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि कोई भोजपुरी फिल्म मुंबई में एक सप्ताह धूम मचाने के बाद दूसरे सप्ताह में प्रवेश की है और यह फिल्म मुंबई में दूसरे सप्ताह में भी हाउसफुल चल रही है दोस्तों। और दोस्तों यह भी बताया गया था कि इस फिल्म को बिहार और झारखंड में 3 नवंबर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म को 1 नवंबर से ही बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। और इस फिल्म के बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों की लिस्ट आ गई है दोस्तों। इस फिल्म को बिहार और झारखंड में कुल मिलाकर 37 सिनेमाघर मिले हैं। और दोस्तों इस फिल्म को जल्दी ही बिहार के 2 और सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा, जिनके नाम है कृष्णा सिवान और पंकज छपरा। तो दोस्तों अगर आप लोग बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं तो चिंटू जी की फिल्म विवाह को सिनेमाघरों में जाकर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और यह फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है दोस्तों। इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को प्रदीप पांडे, चिंटू जी, आकांक्षा अवस्थी, संचिता बनर्जी और देश मिश्रा लीड रोल में नजर आएंगे दोस्तों। और इनके अलावा भोजपुरी के और भी कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे। और दोस्तों प्रदीप पांडे, चिंटू जी की फिल्म विवाह पूर्णतः पारिवारिक फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म को आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ सिनेमाघरों में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह की चटपटी खबरों की डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।